हेलो चिल्ड्रन, माय सेल्फ मेश्राम सर, कल्पतरु विद्या मंदिर सिंधेबाई. दिस इज ग्रामर पीरियड फॉर थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड. एंड इन दिस पीरियड हियर वी आर गोइंग टू सी द इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन द लास्ट पीरियड वी हैड सीन रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन द रेगुलर फॉर्म, वहां पे रेगुलर फॉर्म में हम लोगों को एक्शन को दिखाने के लिए, पास्ट की एक्शन इंडिकेट करने के लिए, वी जस्ट एड ईडी आर डी, ईडी या डी का यूज करते हैं पास्ट के एक्शन इंडिकेट करने के लिए. नाउ ऑलरेडी वी हैड सीन द एग्जांपल ऑफ द रेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब के हमने एग्जांपल भी देखे. नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी द इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब ये इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स द वर्ब दैट डू नॉट एंड इन ईडी आर डी. ये जो इरेगुलर फॉर्म के जो वर्ब होते हैं, ईडी या डी का यहाँ पर यूज नहीं होता है. इंडिकेट करने के लिए हमको ईडी या डी का यूज नहीं करना है एक्शन को इंडिकेट करने के लिए. इनकी जो हम लोग ये जो वर्ब होते हैं, ये वर्ब चेंज देयर स्पेलिंग. उनके जो फॉर्म होते हैं वर्ब के, उनकी स्पेलिंग चेंज होती है. जैसे हमने रेगुलर फॉर्म में देखा था कि बेस फॉर्म जो है, बेस फॉर्म पास्ट फॉर्म को हमको क्या करना है, ईडी लगाना है या डी लगाना है. फिर पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम ही आता है वो, तो उसको रेगुलर फॉर्म में बोलते हैं. उसका सेम फिक्स पैटर्न होता है. उसका पैटर्न कैसे फिक्स, जैसे लुक, लुक्ड, लुक्ड, ईडी लगाना है उसको. अब यहाँ पे जो पैटर्न जो होता है वो फिक्स पैटर्न नहीं होता है. नो फिक्स पैटर्न, उनका पैटर्न फिक्स नहीं. यहाँ पर हो सकता है बेस फॉर्म डिफरेंट, पास्ट फॉर्म डिफरेंट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिफरेंट. यहाँ पे तीनों भी फॉर्म डिफरेंट भी हो सकते हैं, तीनों भी फॉर्म सेम भी हो सकते हैं. तो ये इसीलिए इनको इरेगुलर वर्ब कहा गया है. इरेगुलर वर्ब मीन्स यहाँ पर ईडी या डी का यूज नहीं करना है. तो इनके पैटर्न फिक्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट फिक्स पैटर्न. हियर आर एग्जाम्पल. स्लिप इज अ वर्ब. स्लिप क्या है, ये वर्ब है. अब ये बेस फॉर्म में है. हमको ये रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब में क्या देखना रहता है, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल, मीन्स थ्री फॉर्म देखना है. तो यहाँ पर स्लिप जो है ये बेस फॉर्म में है. अब इसका पास्ट फॉर्म जो है, अगर हमने यहाँ पर स्लिप जो है यहाँ पर पास्ट फॉर्म में करते समय स्लिप्ड कर दिया ईडी, तो दिस इज रॉन्ग वे. ये क्या है, ये रॉन्ग वे है, क्योंकि ये रेगुलर फॉर्म में है. तो रेगुलर फॉर्म में हमको यहाँ पर यूज नहीं करना है, तो ये रॉन्ग है. ये तो यहाँ पर ईडी लगाना नहीं है. तो इसका पास्ट फॉर्म आता है, स्लिप का पास्ट फॉर्म स्लेप्ट, स्लिप स्लेप्ट, एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आल्सो सेम स्लेप्ट. नाउ इट, इट मींस खाना, खाना होता है इट. तो यहां पर इट इज अ इन बेस फॉर्म. नाउ यू हैव टू राइट पास्ट फॉर्म. अगर ये तुम्हारी एक्शन अगर फिनिश्ड हो गई है, तो हम लोग पास्ट में लिखते खाया, तो एट, ए टी एट, एंड पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज ईटन. नाउ लुक हियर, इन दिस एग्जांपल ईट, एट, ईटन. यहां पर जो बेस फॉर्म है वो ईट है, पास्ट फॉर्म है वो एट है, इसे डिफरेंट है. और पास्ट पार्टिसिपल है वो भी डिफरेंट ही है. मीन्स इसका मतलब क्या है, ये फिक्स पैटर्न के नहीं होते और इनके कोई रूल भी नहीं होते. डू नॉट हैव एनी रूल टू मेक अ बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल. इसके आपको रूल भी नहीं मिलेंगे कि ये कैसे बनाते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक रूल होगा, तो ये रूल नहीं है. जस्ट यू हैव टू लर्न, आपको लर्न ही करना है. देयर इज ओनली वन वे, यू हैव टू लर्न ऑल द बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. आपको ये तीनों भी फॉर्म लर्न करने ही पड़ेंगे. ओके, नाउ हियर सिट, सैट, सैट मींस सोया, पास्ट फॉर्म है ये, एंड पास्ट पार्टिसिपल इज सैट, सीट, सैट, सैट. ओके, तो दीज आर द इरेगुलर वर्ब. इरेगुलर में हमने क्या देखे हैं कि दे डू नॉट हैव फिक्स पैटर्न, इनका पैटर्न फिक्स नहीं होता है. दे चेंज देयर स्पेलिंग. इनके जो फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो उनके स्पेलिंग भी चेंज होते हैं. जैसे देखो यहाँ पर स्लीप हो गया, यहाँ पर स्लेप्ट, स्लेप्ट, मीनिंग एक ही है. लेकिन हम लोगों को एक्शन को इंडिकेट करने के लिए, जो एक्शन हम इंडिकेट करते हैं वो पास्ट की एक्शन, तो ये वर्ड यूज करते हैं. जैसे स्लीप सोना, स्लेप्ट सोया, स्लेप्ट सो गया.
ईट खाना एट खाया ईटन खा गया सीट बैठना सैट बैठा यहाँ पर सैट बैठ गया यानी यहाँ पर ये तीनों भी हम लोगों क्या है एक्शन को ही इंडिकेट करते हैं ओके। अब यहाँ पर ये जो इरेगुलर वर्ब है इरेगुलर वर्ब फोर टाइप्स के होते हैं। इरेगुलर वर्ब हमने अगर देखना है तो यहाँ पर ऐसे ग्रुप दिए हैं दे हैव अ फोर ग्रुप दे डिवाइडेड इनटू अ फोर ग्रुप। अभी यहाँ पे देखो हर एक ग्रुप में कैसे होते हैं ग्रुप वन इरेगुलर वर्ब का जो ग्रुप है तो ग्रुप वन में किस तरह के वर्ब्स आते हैं ऑल थ्री वर्ब फॉर्म्स आर सेम। ये है फर्स्ट ग्रुप इरेगुलर फॉर्म का ये फर्स्ट ग्रुप है। यहाँ के जो वर्ब है ऑल थ्री वर्ब्स फॉर्म आर सेम यानी यहाँ पे जितने भी वर्ब्स होंगे इस ग्रुप में वो सभी सेम ही रहेंगे इनके स्पेलिंग चेंज नहीं होंगे। यू कैन सी ऑल द स्पेलिंग एंड वर्ड सेम। नाउ हियर वी टेक अ एग्जांपल फर्स्टली बेस फॉर्म पास्ट फॉर्म एंड लास्ट इज पास्ट पार्टिसिपल अभी यहाँ पे देखो यहाँ पर उनके अलग अलग नेम से भी जाना जाता है डोंट बी कंफ्यूज। जैसे मैंने पहले बताया था आपको ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऐसे भी बताया था लेकिन आप और से अलग तरीके से आप बोल सकते हो V1 भी बोल सकते हो V1 V2 एंड V3 ये भी बोल सकते हैं यानी ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने यहाँ पर आपको थ्री नेम्स बताए पहला फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये वाला बेस्ट फॉर्म पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल एंड आप यू कैन से V1 V2 V3 आल्सो ओके। नाउ द फर्स्ट ग्रुप ऑल थ्री वर्ब्स फॉर्म आर सेम या इस ग्रुप के जितने भी वर्ब्स होंगे बेस्ट फॉर्म के जो वर्ब होंगे वो उनके फॉर्म सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पुट ये पुट इज अ वर्ब। अभी इसका जो पास्ट फॉर्म अगर हमें को करना है पुट का पास्ट क्या है V2 क्या हो सकता है पुट का तो यू हैव टू राइट ओनली पुट इसमें कोई चेंज नहीं करना है पुट एंड पास्ट पार्टिसिपल आल्सो सेम पुट ओके। मींस ये ग्रुप वन के वर्ड जो है वर्ब ये आर ऑल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आर सेम इसके सेम आएंगे। नाउ कट का V2 एंड वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है या पास्ट फॉर्म है वो भी कट ही होगा या थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आल्सो कट एंड हर्ट ओके। देर आर सो मेनी वर्ड्स बट आई एम राइटिंग हियर ओनली थ्री वर्ब्स यहाँ पे मैंने थ्री वर्ब्स ही लिख के दिया हो लेकिन आई विल गिव यू अ मेनी एग्जाम्पल ओके। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द वर्ब यहाँ पर क्या है ऑल थ्री वर्ब्स फॉर्म आर सेम पुट कट हर्ट। नाउ अनादर इज सेकंड ग्रुप यहाँ पे सेकंड ग्रुप में देखो सेकंड ग्रुप में जो वर्ड है सेम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल अभी इस ग्रुप में क्या है ग्रुप नंबर टू ये ग्रुप टू के जो भी वर्ब्स होंगे ये सेम पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल यानी ये जो पास्ट फॉर्म है और ये जो पास्ट पार्टिसिपल का जो फॉर्म है वो कैसे रहेगा सेम रहेगा यानी बेस्ट फॉर्म अलग रहेगा लेकिन जब उसका पास्ट फॉर्म रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल रहेगा वो सेम रहेगा। लुक हियर बाय मीन्स होता है खरीदना अभी इसका जो पास्ट फॉर्म जो होता है वो बॉट खरीदा एंड ये जो ग्रुप जो है सेम वर्ड कह दिया है मैंने यहां पर सेम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल तो ये बॉट
bought. Buy, bought, bought. Now next word, feel, felt, and this also held. Win, won, won. Okay, look here, past form and past participle form are same, bought, bought, felt, felt, won, won. आपको V3 में भी लिखना है या past participle में भी लिखना है तो आपको V2 और V3 सेम ही आएंगे, ठीक है, ये बेस फॉर्म के डिफरेंट, bought, bought. तो ये है अपना सेकंड ग्रुप. नाउ थर्ड ग्रुप, सेम बेस फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल. अभी यहां पे हमारा तीसरा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, वो क्या है, सेम बेस फॉर्म. बेस फॉर्म कैसे, सेम है और पास्ट पार्टिसिपल सेम है. इस ग्रुप में जो भी वर्ब्स आएंगे उसका ये वाला पहला वाला फॉर्म और ये लास्ट वाला फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म जो है वो सेम रहेगा, ये डिफरेंट रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल, कम, कम मींस आना. अभी हमको पास्ट में लिखना है वो, तो केम, आया. अभी उसका पास्ट पार्टिसिपल जो है वो कैसे रहेगा, सेम बेस एंड पास्ट पार्टिसिपल मीन्स बेस के तरह ही रहेगा. कम केम, कम कम केम कम. नाउ रन, रन मीन्स दौड़ना, पास्ट फॉर्म में क्या है, रैन. अभी सेम यही फॉर्म आएगा इधर, रन. यानी ये सेम है, ये बेस सम, सेम बेस एंड पास्ट पार्टिसिपल. नाउ नेक्स्ट बिकम, इसका भी बिकेम एंड लास्ट बिकम. ये है थर्ड ग्रुप हमारे इरेगुलर वर्ब का. कम देखो यहां पर, कम ये बेस फॉर्म जो है, पास्ट फॉर्म क्या हो गया, केम हो गया, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल और से कम आ गया, यानी यहां पर बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आर द सेम. नाउ फोर्थ ग्रुप जो है, फोर्थ ग्रुप इज ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट. यहां पे जो जितने भी फॉर्म्स होंगे वर्ब के, वो तीनों भी फॉर्म जो है वो डिफरेंट रहेंगे. यहां पे बेस फॉर्म भी डिफरेंट रहेगा, पास्ट फॉर्म भी डिफरेंट रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आल्सो इन डिफरेंट फॉर्म. नाउ लुक हियर, ब्रेक, ब्रेक इज अ एक्शन वर्ड. नाउ व्हेन यू राइट पास्ट फॉर्म ऑफ द ब्रेक, दैट टाइम ब्रोक, यू हैव टू राइट ब्रोक. एंड व्हेन यू राइट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, दैट टाइम यू हैव टू राइट ब्रोकन. मींस लुक हियर, द बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, ये तीनों भी डिफरेंट है. नाउ गो, पास्ट फॉर्म इज वेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज गॉन. पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ये भी डिफरेंट है, यानी थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट. नाउ स्विम, पास्ट फॉर्म इज स्वैम एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज स्वम, आर द डिफरेंट, स्विम, स्वैम, स्वम. सिंग, सैंग, संग, ऐसे इस तरह के ये ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट. ओके, दीज आर द इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. हियर वी हैव फिनिश्ड द रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई विल गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल्स फॉर लर्न, लर्न करने के लिए आपको एग्जाम्पल दूंगा. हियर आर नो स्पेसिफिक रूल टू मेक अ पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म.
आपको कोई ऐसा रूल नहीं मिलेगा कि यहाँ पर आपको किस तरह से बनाए जाते हैं वो, जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर और लर्न, आपको लर्न ही करना होगा, रिमेम्बर करना होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हियर वी हैव फिनिश्ड द टॉपिक रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। थैंक यू।